यस, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड नेचर. ओके, तो ये जो नेचर है वो कैसा है, तो ऑब्वियसली यहां पर पोलैरिटी आ जाएगी. क्या आ जाएगी? पोलैरिटी. ओके, तो वही चीज देखनी है, एकदम छोटा सा टॉपिक है. हेलोजन एटम्स जो 11th में हम पोलैरिटी समझे थे वही है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड जो बना हुआ होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव बन जाएगा. कोवेलेंट बॉन्ड है फिर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, भले ही कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हुआ लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचा हुआ है. दैट्स व्हाई पार्शियल पॉजिटिव, मतलब जिसने खींचा हुआ है वो पार्शियल नेगेटिव और जिससे दूर चला गया है वो पार्शियली पॉजिटिव. ओके, तो वही चीज है. हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. हेलोजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 17th वाला ग्रुप, 17 पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किसका है? हेलोजन का है, उसके बाद तो नोबल गैसेस आ जाते हैं. तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? हेलोजन ग्रुप. ओके, सो कार्बन नाइट्रोजन की रिस्पेक्ट में भी वो भी है, कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, नाइट्रोजन की भी अच्छी है, ऑक्सीजन की भी अच्छी है, बट सबसे ज्यादा किसकी है? हेलोजन की. डन. ओके, सो कार्बन के रिस्पेक्ट में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज. तो इसलिए वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा. पोलराइज हो जाएगा मतलब क्या? वही चीज जो हमने 11th में पढ़ी थी कि ये जो बॉन्ड होगा उनके बीच में. ओके, ये बॉन्ड है मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ. सो सपोज ये बॉन्ड है. ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एक्स है और ये कार्बन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो खींच लेगा कौन? हेलोजन. तो ये बॉन्ड जो है वहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे चला जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए इसलिए यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो ये हो गया पोलराइजेशन, पोलर बन गए ये. दैट्स इट, वही चीज बता रहे हैं. ओके, सो पोलराइज हो जाएंगे, द कार्बन एटम बेयर्स अ पार्शियल पॉजिटिव वेयर एज द हेलोजन एटम बेयर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ओके, एज वी गो डाउन द ग्रुप, अभी अगर ग्रुप में नीचे जाए, हमें पता ही है ग्रुप में नीचे जाए सो कौन कौन खा रहा है? जमीन. ग्रुप में कौन जमीन खा रहा है और पीरियड में कौन हम खा रहे हैं, ऐसे ही हमने ट्रिक याद रखी थी. तो एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज ग्रुप में अगर नीचे जाए हम ऊपर से नीचे जाए तो एटॉमिक साइज क्या होती है? बढ़ती जाती है. एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी मतलब एटॉमिक रेडियस भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी. जैसे कि यहां पर मेरा कार्बन आ गया और ये हेलोजन है, ये हेलोजन है और ये कार्बन है, तो इतनी बॉन्ड लेंथ. यहां पर कार्बन आ गया तो इतनी बॉन्ड लेंथ, यहां पर कार्बन आ गया तो इतनी बॉन्ड लेंथ, यहां पर कार्बन आ गया तो इतनी बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती. सब जगह तो कार्बन ही आने वाला है लेकिन यहां पर फ्लोरिन है, ये फ्लोरिन है, क्लोरिन है, ब्रोमिन है, आयोडीन है. सो आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, ऑब्वियस है. तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं. एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेस. फ्लोराइन एटम इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप में, 17th वाले ग्रुप की हेलोजन की बात कर रहे हैं. सो फ्लोराइन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट. कंसिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम CF टू Cl. ऑब्वियसली. ओके, सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डाइपोल मोमेंट्स आर गिवन इन द टेबल्स. तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है. अल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल विच आर इजीली एक्सेसिबल. तो वो प्रिपेरेशन के लिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ये अल्काइल हैलाइड्स को और अराइल हैलाइड्स को बनाएंगे कैसे प्रिपेरेशन, तो उसके लिए हमें हिंट दे दी गई है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है. क्या? कि जो अल्काइल हैलाइड्स है वो सबसे इजीली बनाए जाते हैं कहां में? किसमें से? अल्कोहल में से. क्यों? क्योंकि अल्कोहल बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है इसलिए. डन. तो ये हमारा पोलैरिटी का टॉपिक था. कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप आने वाला है. सो कार्बन से ज्यादा हेलोजन ग्रुप के जो भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. दैट्स व्हाई वो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग से भी जुड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा मतलब जिसने खींचा है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा वो नेगेटिव.
ओके okay. और जिससे पास से दूर चला गया है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वही बताया. और फिर हमने बोला कि ग्रुप में कोई भी ग्रुप ले लो पूरे पीरियडिक टेबल में, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है. तो साइज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एक कार्बन है ऐसा समझो कि ये आयोडीन है और ये कार्बन है, तो बॉन्ड लेंथ कितनी हुई, इसका सेंटर और इसका सेंटर, वही बॉन्ड लेंथ हुई. ओके okay, तो ये हमारा आयोडीन है और ये कार्बन है. अब सपोज हमारे पास फ्लोरीन है और कार्बन है वापस, तो ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया कार्बन, तो सेंटर टू सेंटर ये बॉन्ड है. तो ऑब्वियसली फ्लोरीन से फ्लोरीन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होगी उसकी कंपेयर में आयोडीन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सबसे कम फ्लोरीन कार्बन की, फिर उससे ज्यादा फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की, तो क्लोरीन कार्बन की, फिर से ब्रोमीन कार्बन की और सबसे ज्यादा आयोडीन कार्बन की. एस टेस्टिंग तो वो तो हम रेडियो एक्टिव है तो उसको तो अभी हम बात ही नहीं करते. डन ओके ओके. सो छोटा सा ही टॉपिक था. हाँ, और जैसे वो एक सेंटेंस में बोला गया है कि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ यहाँ पर बताई गई है, तो यू कैन सी 139 पिकोमीटर, 178 पिकोमीटर, 193 पिकोमीटर, 214 पिकोमीटर. तो वो तो हमें फिर एंथैल्पी तो क्या, हमें पता ही है जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतनी एनर्जी कम चाहिए तोड़ने के लिए. वो तो हमने सब कुछ 11th में ही देख लिया था, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड ऑल सब में. ओके सो कैसे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, वो हमारा थर्ड या फोर्थ चैप्टर जो था वो. ओके सो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल क्या होगा, फिर बॉन्ड ऑर्डर, वो सब देखा था ना हमने बेसिक. तो वही चीज है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना इजीली टूट जाएगा. मेरे पास इतना बड़ा कोई डंडा हो उसको बोले दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो मैं ऐसे करके ऐसे मारूंगा और तोड़ दो. मेरे पास ऐसे 1 सेंटीमीटर का कोई डंडा है, कितना 1 सेंटीमीटर का, बोले दो पार्ट में तोड़ो, कैसे तोड़ो 1 सेंटीमीटर का, पहले तो पकड़ भी नहीं पाऊंगा सही सही. ओके तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए. डन ओके ये तो ट्रिक है याद रखने के लिए. तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी कम चाहिए तोड़ने के लिए. डन ओके तो देखो यहां पर बॉन्ड लेंथ 139 सो 450, अब बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ी. ओके तो देखो ये कम हो गई, फिर और बड़ी ये और कम हो गई, ये और बड़ी बॉन्ड लेंथ ये और कम हो गई, तो एनर्जी तो कम ही रिक्वायर्ड होगी तोड़ने के लिए. ओके नाउ डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट डी बाय वो भी हमने वही 11 चैप्टर में देखा था. डाइपोल मोमेंट तो वही है 1.8 1.8 1.8 1.6 वैसे ही डी बाय यूनिट में डाइपोल मोमेंट जो कैलकुलेट करते हैं. ओके वो पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिससे हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते थे, 11th का है अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे हमने ये टेबल में वैल्यू गिवन है इन्फॉर्मेशन के लिए है. यहाँ पे कुछ भी रटने की बात नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये जो हमें पता है वैसे ही सब कुछ हो रहा है. डन तो छोटा सा टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. ओके